कोर्ट ने समन भेजा है ईडी की अर्जी पर। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम केजरीवाल को कोर्ट ने समन भेजा है। 16 मार्च को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया है। अभी तक केजरीवाल को 8 समन ईडी भेज चुकी है। तो ईडी की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह संज्ञान लिया। बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल ने सभी समन को अभी तक गैर कानूनी बताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब तक 8 बार केजरीवाल को समन भेजा जा चुका है, लेकिन एक के बाद एक बार भी केजरीवाल भेज नहीं हुए हैं। केजरीवाल को 8 समन के बाद खुद अरविंद केजरीवाल ने तमाम जो समन ईडी के द्वारा भेजे गए हैं उसे गैर कानूनी बताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने समन भेजा है और यह समन जो है वो ईडी की तरफ से 8वां समन बताया जा रहा है। ईडी की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह संज्ञान लिया, जिसके बाद कोर्ट ने संज्ञान भेजा है और ईडी की अब तक बात कर ली सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर, तो 8 समन भेजे जा चुके हैं। 16 मार्च को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि यह ईडी के समन गैर कानूनी है, लेकिन मैं राष्ट्रीय एजेंसी की सलाह को मानता हूं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने को लेकर हामी भी भरी थी अरविंद केजरीवाल ने। केजरीवाल ने सभी समन को गैर कानूनी बताया। इससे पहले की तस्वीरें भी हमने देखी थी, जब उनके आवास पर ईडी की एजेंसी वहां पर पहुंची थी और घर के बाहर ही सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी, और तब भी खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये जो ईडी का समन है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, क्योंकि उनके पीए को लेकर भी जानकारी सामने आई थी कि उनके यहाँ ईडी पहुंची, तमाम जो दस्तावेज है उसे खंगालने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम तरीके के गैर कानूनी किसी तरीके के सबूत नहीं मिले। जिसके बाद खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि ये समन जो भेजे जा रहे हैं वो गैर कानूनी है, जो इरादा है भारतीय जनता पार्टी का वो गलत है। तो केजरीवाल ने सभी समन को गैर कानूनी बताया और उसके बाद मंत्री आतिशी ने भी हमला बोला था भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और ईडी के समन को गैर कानूनी तमाम आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है। बहरहाल ईडी की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है।